excited, and we hope that this video shall give you a lot of information. Hello everyone, myself Santosh Chaube. This is Fort of Junagadh and this fort is called as Uparkot Fort. यह जो किला है इसको ऊपरकोट किले के नाम से जाना जाता है. मैं बता दूं कि यह जो आपका किला है, यह किला किस प्रकार से इम्पोर्टेंट, पहले मैं आपको इसका व्यूज दिखा दूं 360 डिग्री. यह किला इम्पोर्टेंट इस प्रकार से है कि दिस फोर्ट इनकम्पासेस ऑलमोस्ट इंटायर हिस्ट्री ऑफ इंडिया. इसके गर्भ में जो है भारत का एक बहुत ही लंबा इतिहास छुपा हुआ है. दिस इज द मोस्ट एंशियंट फोर्ट एवर मेड बाय इंडियंस. भारतीयों के द्वारा बनाया गया यह जो है सबसे प्राचीन किला है. 5वीं शताब्दी में 5th सेंचुरी में सबसे पहले यहाँ के जो लोकल लोग थे, तो वहाँ का जो लोकल जो है शासक था, बल्कि उसने यहाँ पर इस किले का निर्माण कराया. इसके बाद इस पर आपकी 3वीं शताब्दी ईसा पूर्व में यहाँ पे मौर्यों का साम्राज्य रहा, मौर्यों का जो है इस पर शासन चला. और बता दूँ कि मौर्यों ने जब इस पर शासन किया तो यहाँ पर उन्होंने अपने कुछ साक्ष्य छोड़ रखे हैं, जिसमें सबसे जो मुख्य साक्ष्य है वह है आपका अशोक का शिलालेख. साथ से बताना चाहूँगा कि रुद्रदामन जो शक राजा था, उसका जो है 1वीं शताब्दी का यहाँ पर एक अभिलेख मिला हुआ है. यह अभिलेख जो है भारत का सबसे, संस्कृत में लिखा हुआ भारत का सबसे प्राचीन अभिलेख है. दिस इज द मोस्ट एंशियंट इंस्क्रिप्शंस इन संस्कृत लैंग्वेज. साथ से बता दूँ कि यह जो किला है, यह किला अपने आप में बहुत सारा, बहुत लंबा इतिहास समेटे हुए है. सबसे पहले यहाँ पे आपका, यहाँ के लोकल राजाओं के माध्यम से, जो आपको जो है रूर राजा कहते थे, उन्होंने शासन किया. फिर मौर्यों का शासन चला. फिर मौर्यों के बाद आपका शक राजाओं ने यहाँ शासन किया. शकों के बाद यहाँ पे इसका शासन चला, वह था आपका गुप्तों का शासन. स्कंद गुप्त के भी यहाँ पर अभिलेख मिले हुए हैं. और सबसे जो बड़ी बात है, सबसे जो आपको इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो यह है कि यहाँ पे बहुत लंबे समय तक जो आपके चालुक्य वंश राजाओं ने यहाँ पे शासन किया. और उन्होंने यह जो किला था, जो किला जो एक बहुत ही, मैं कहूँगा आरंभिक स्टेज में था, उस किले को उन्होंने बहुत ही सुदृढ़ बनवाया. इसके बाद महमूद बेगड़ा, जिसके बारे में लोग जानते हो कि वह भारत का एकमात्र शासक था, जिसके जहरीला राजा था. और मैं आपको बताना चाहूँगा कि जब उसके शरीर पर मक्खी बैठती थी तो मक्खी भी मर जाती थी. और यही नहीं, ये महमूद बेगड़ा एक ऐसा भारत का शासक हुआ जिस किसी भी स्त्री के साथ में संसर्ग किया, उस स्त्री का भी देहावसान हो गया. वो प्रतिदिन 35 किलो अनाज जो है वो खाता था. और आपका यह इसी किले में वो रहता था, क्योंकि उसने जो आपका राजा लोग थे, जो भारतीय हिंदू राजा थे, हिंदू राजाओं को उसने परास्त करके और 15वीं शताब्दी में उसने यहाँ पर इस पर अधिकार कर लिया था. साथ ही साथ मैं अभी आपको आगे लेके चलता हूँ. इसके बाद इस पर अकबर, पहले तो मोहम्मद तुगलक ने शासन किया था, फिर मोहम्मद बेगड़ा ने किया. फिर इसके बाद अकबर ने यहाँ पर 1570 में जब उसने गुजरात राज्य की विजय की, तो इसका किला जो है उनके पास आ गया था. और यह जब किला उनके पास आया, तो इस किले के आने के बाद लंबे समय तक जो है मुगलों का यहाँ पे शासन था. इसके बाद यहाँ पर जो गुजरात का एक लोकल आपका सूबेदार था मुगलों का, उसने यहाँ पर कब्जा जमा लिया था. और उसने यहाँ पर 12वीं वंश की स्थापना की थी 17वीं शताब्दी के अंत में. यहाँ पे 9 राजा हुए. और 9वां राजा था 12वीं वंश का, था महमूद कंजी. वह महमूद खान कंजी जिसने यह 13 सितंबर 1947 को उसने डिक्लेयर कर दिया कि ही इज़ गोइंग टू मर्ज विद पाकिस्तान, पाकिस्तान के साथ मिलने जा रहा है. लेकिन इसी बीच में क्या हुआ कि भारत की सरकार ने जो है उनसे बातचीत करना शुरू किया. और जब बातचीत करना शुरू किया, उस बातचीत का परिणाम यह देखिए आपको भाई एक बार फिर से ब्रेक करता हूँ. ये जो बच्चे हैं, ये बच्चे आपके सामने आ रहे हैं. और ये बच्चे कहाँ से आप लोग? सैला सूरज के बच्चे हैं आपके, गुजरात के. और यहाँ पे तो मैं बताऊँ कि जब महमूद खान कंजी ने यह डिक्लेयर कर दिया कि वह क्या करेंगे कि वह आपको मर्ज कर देंगे इनके साथ में,
तो पाकिस्तान के साथ में, तो उसके बाद यहाँ की जनता ने विद्रोह कर दिया, क्योंकि यहाँ की जो 90% पॉपुलेशन थी लगभग, वह जो है तो हिंदू लोग थे, और राजा यहाँ का जो था वह मुसलमान था। और लास्ट में इसका परिणाम यह हुआ, कि जब यहाँ की जनता ने विद्रोह किया तो भारत की सरकार ने यहाँ पे, भारत की सरकार ने इसको जो है कहा कि ठीक है हम इसको अपने अधिकार क्षेत्र में ले लेते हैं, लेकिन हम बिना जनता की राय मांगे बिना हम इस प्रशासन ही चलाएंगे। एंड प्लेबिसाइट वाज कैरिड आउट, और यहाँ पर एक जो है प्लेबिसाइट कराया गया था। प्लेबिसाइट का मतलब आपका हो गया कि जनमत संग्रह, और जनमत संग्रह के माध्यम से जूनागढ़ राज्य के जो लोग हैं इन्होंने 95% पॉपुलेशन ने कहा कि हम जूनागढ़ राज्य के साथ में, हम जो भारत सरकार के साथ मिलेंगे, और भारत सरकार के साथ में वे मिल गए। और उस प्रकार से 20 फरवरी 1939 को जो यह जनमत संग्रह हुआ था उसके आधार पर जूनागढ़ राज्य को जो है भारत में मिला लिया गया। उस पर यह राज्य जो है, जब भारत का संविधान लागू हुआ तो भारत में 4 ग्रुप के राज्य बनाए गए थे, ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, ग्रुप डी के राज्य। ग्रुप बी में जो है 8 राज्य थे, और इन राज्यों में स्वराष्ट्र राज्य, सभी स्वराष्ट्र राज्य के साथ में जूनागढ़ राज्य को पोरबंदर, और आप लोग जानते ही हो कि पोरबंदर आप जानते हो महात्मा गांधी का बर्थ प्लेस था, एंड पोरबंदर इज 107 किलोमीटर फ्रॉम दिस। इस किले में घूमते हुए हम लोग यहाँ पे पहुँच गए, और यह जिस बावड़ी के बारे में बात कर रहे हैं, यह बावड़ी है। इस बावड़ी में लगभग 150 स्टेप्स हैं, और आपको आप देख सकते हो यहीं पे जब कोई भी दुश्मन यहाँ पर आक्रमण करते थे तो सेना के जो लोग हैं वो सेना के लोग यहीं पे छुप जाते थे, यहीं पे छुपते थे। और यहाँ पे ये भारत की जो है सबसे प्राचीन, इसको कहा जाता कि बावड़ी है, 11वीं 12वीं शताब्दी में इसको बनाया गया था, अभी भी यह बावड़ी इंटैक्ट है। दिस इज द मोस्ट एंशियंट एंशियंट पॉन्ड इन इंडिया। और आप देखो किस तरह से पत्थरों को इसको काट करके यह बनाया गया है, यह वास्तुकारी का एक बड़ा ही अद्भुत नमूना है, आपको मैं दिखा दूँ। ये देखिए, ये आप देख सकते हो ये बावड़ी, ये देखो यहाँ से दिख रहा होगा आपको, आप पुलिस में जाओगे तो यहाँ पे पानी भरा हुआ है, हालांकि लोगों ने इसको गंदा कर दिया है। थैंक यू वेरी मच एवरीवन।